सर हमारा प्रोटेस्ट है कि त्रियाठ ये एक हॉस्पिटल की बिल्डिंग थी, बड़े काफी 40-50 साल का एक हॉस्पिटल यहाँ सीएससी बना हुआ है। पहले सब सेंटर था, उसके बाद अपग्रेड करने के बाद वो सीएससी बनाया गया और बहुत बड़ी बिल्डिंग है। एक पहले जो बिल्डिंग थी छोटी बिल्डिंग थी सीएससी की ना सब सेंटर की, उसको हमारे त्रियाठ के एक गरीब आदमी ने 4 या 5 कनाल दान दी थी। और वो पहले हॉस्पिटल की बिल्डिंग जो पुराना नया हॉस्पिटल है उसके आगे है। और हमारे लोगों को आज ये परेशानी आई है कि जो मेन गेट था वो एक ही था, चाहे वो नई बिल्डिंग का है चाहे वो पुरानी बिल्डिंग का है। तो काफी टाइम का 40-50 साल का पहले फैसला हुआ, गेट वहां पे लगा हुआ है। कोई चंद लोगों की वजह से, 2-3 लोगों की वजह से परसों रात को जब डीसी साहब का दरबार हुआ त्रियाठ में, उसी रात को 7 बजे जेसीबी लाई गई है और जेसीबी लाके वहां का मलबा और गेट को हटा के वहां से पता नहीं कहां मटेरियल को गैप कर दिया गया है। तो ये आवाम जो बैठी है ये लोग परेशान है भाई, ये खलवाड़ जो हुआ है ये ठीक नहीं हुआ, 2-4 लोगों की वजह से ये साजिश रची गई है। तो हमें जो पता लगा या ये लोगों को पता लगा, लोग इसलिए रोष में है कि वो जो 4 लोगों के मैसेज आ रहे हैं डीसी साहब के द्वारा फैसला लिया गया कि डीसी साहब से यही विनती है कि उसको अपनी तरफ से डीसी साहब एक टीम बनवाए और जो गेट को उखाड़ा गया है उनके उन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, वो जेसीबी वहां पे पुलिस स्टेशन पे आके सीज की जाए। हमारे लोग, हाँ जी, अगर वो जेसीबी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होती है, जिन्हें लोग गेट तोड़े उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो जाती है, लोगों का कहना है। तो हम लोग सहमत हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हैं, लेकिन उनके खिलाफ एफआईआर लगनी चाहिए और जेसीबी सीज होनी चाहिए। जो गेट के ऊपर जो कानूनी गवर्नमेंट की बिल्डिंग को तोड़ा जाता है, वो जो धारा लगती है वो धारा पुलिस के द्वारा लगाई जाए। हमारे लोग सहमत हैं, हम नहीं रोड पे उतरेंगे, ना किसी को शौक है रोड पे उतरने की, ना बाजार बंद करने की। आगे हमारे गरीब लोग हैं, लेकिन हमारे गरीब लोगों का यही कहना कि हमें डीसी साहब के द्वारा डिस्ट्रिक्ट रजौरी की तरफ से हमें इंसाफ मिलना चाहिए। हमारे गरीब लोग हैं, हमारे लोग